आज मेरे यार की शादी। अच्छा और ईमानदारी से बताओ, अपन नचते ही नचते तो हमारा व्यायाम होता था लेकिन हमने छोड़ दिया। अब देखो आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर कभी सुबह उठे तो कई बार हमारा मूड दिन भर खराब हो जाता है, होता कि नहीं होता है। मैंने कुछ बातें आपसे करते करते बंद कर दी थी, समझना तरंगों का प्रभाव होता है, वेव्स का खेल होता है। और वेव्स का खेल कैसे होता है, जैसे कभी कुत्ते के पास से आप बिना डरे निकलो तो कुत्ता कुछ करता है क्या, लेकिन उस कुत्ते के पास डर के निकलो तो लगता है ना, कुत्ते के पास से डरोगे तो निकलोगे तो कुत्ता भूखेगा। कुत्ते को किसने बताया कि आप डर गए हो, कुत्ते को कौन बताता है, कुत्ते को प्रकृति बताती है। कुत्ते के पास कुछ ऐसी चीजें जो हमारे पास नहीं है। तो मैं तो आपसे बता, कुत्ता आपको एक बात याद रखना, प्रकृति ने जिसको जो चीज खाने को दी वही खाता, गलत चीज नहीं खाता। लेकिन हम गलत चीज खाते हैं। और कई बार देखना हम बहुत प्रसन्न मूड में होते हैं और एक आदमी को गलत आ जाए पूरा माहौल खराब हो जाता है, होता नहीं तो कई बार। और कई बार पूरे लोग गमगीन होकर बैठे हों और एक आदमी मस्ती में हंसते हुए आ जाए तो पूरा माहौल किससे होता है, ये वाइब्रेशन से होता है। और वाइब्रेशन अच्छे कब होंगे, जैसे हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। तो पूरा दिन खराब क्यों होता है, जो चीज रात को सुनने की होती है वो अगर सुबह सुनोगे तो दिन भर खराब। एक बहुत बड़े संगीत के सम्राट थे, पिछले दिनों मरे, उनका नाम था माइकल। वो माइकल जैक्सन क्यों मरे आपको मालूम है क्या, माइकल जैक्सन इसलिए मरे क्योंकि उनको नींद कैंसर नहीं था बेटा, उनको नींद नहीं आती थी और नींद ना आने का उनको गोलियां खानी पड़ती थी। एक बार इतनी ज्यादा गोली खा ली कि निपट गए। उनका नाम था माइकल जैक्सन क्योंकि उनको नींद नहीं आती थी। उनके पास इतना सोना था कि उनके ताबूत में भी सोना लगाया गया। उनके पास बहुत सोना था लेकिन उनकी किस्मत में सोना नहीं था। और याद रखना, जब बहुत ज्यादा सोना आता है तो सोना नींद को लेकर चला जाता है। तो माइकल जैक्सन को नींद नहीं आती थी। ये विदेशी संगीत के सम्राट थे और भारत के एक संगीत सम्राट थे, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। एक बार मुसोलिनी के साथ बैठे हुए थे, तानाशाह के साथ में। मुसोलिनी ने पूछा, तुम कौन हो, बोले भारतीय म्यूजिशियन हूं। उन्होंने कहा, भारतीय संगीत क्या होता है, बोले भारतीय संगीत से चमत्कार हो सकते हैं। तो मुसोलिनी ने कहा, मेरे कोई चमत्कार नहीं देखना, मेरे कोई पानी नहीं गिराना है, मेरे कोई दीपक नहीं जलाना है, तुम तो एक बार बताओ तुम्हारे संगीत से मुझे नींद आ सकती है क्या। तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने कहा कि देखो मैं प्रयास करता हूँ, आप मेरे सामने चुपचाप बैठ जाओ। तो उनके पास तबला नहीं था, हारमोनियम नहीं था, कोई साज नहीं था, केवल खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। और खाने की टेबल पर बैठे बैठे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने गाना चालू किया, क्रॉकरी की प्लेट और चम्मच बजाना चालू किया। और जैसे ही पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने गाया, अगले दिन सुबह मुसोलिनी ने सोकर लिखा कि रात को मैंने पहली बार भारतीय म्यूजिक का चमत्कार देखा। एक व्यक्ति ने गाया और 15 मिनट तक मुझे याद है मैं जाग रहा था, 15 मिनट के बाद मुझे ऐसी नींद आई कि मैं बिस्तर पर नहीं गया, टेबल पर ही सो गया। तो ये मैंने आपसे जो कहा दोस्तों, ये भारतीय संगीत का चमत्कार है। अब देखो मैं भारत माता की आरती करूं लेकिन आपको बता दूं, भारतीय संगीत थके तो नहीं हो ना पहले, ईमानदारी से चलिए। तो देखो भारतीय संगीत कैसा होता है, सुबह के समय अलग संगीत होता है और रात का संगीत अलग होता है और दोपहर का संगीत अलग होता है। कभी कल्पना कीजिएगा, सुबह का समय हो जब आसमान में लालिमा फैल रही हो, लाल लाल आसमान हो रहा हो, चिड़िया चहचहा रही हो, किसान अपने हल रखकर जंगल जा रहा हो, बच्चे उठने की तैयारी कर रहे हो, ऐसे सुबह के समय पर जब चिड़िया चहचहाए तो एक राग है, उस राग का नाम है अहिर भैरव। बोलिए क्या नाम है, एक राग है उसका नाम भटियार। क्या नाम है, भटियार। ये आपको फिर मिल जाएगी। आइए वो अहिर भैरव राग कैसी होती है, अहिर भैरव राग का एक गीत सुनिएगा कैसा होता है। ठीक है, ये राग है, इसका नाम है अहिर भैरव। ऐसे ये गीत आपने सुना होगा, इसी राग का एक गीत है, राम का गुण गान करिए। अब देखो अगर आप समझे हमको भजन भी नहीं मिल पाएंगे बाबा जी, हम फिर क्या सुने, इसकी कैसेट लेने कहाँ जाएं। तो अगर इसकी कैसेट ना मिले तो इसी राग पर फिल्में गीत भी, अगर सुबह सुबह वो गीत गाएं तो भी इतना ही फायदा करेगा, वही फायदा करेगा। इस राग पर वो गीत भी सुन लीजिएगा, एक दुखियारी
कहेंगे बाबा जी हमको गीत कहाँ से मिलेंगे, आप तो एक दिन में चले जाएंगे, हम सुबह सुबह गीत कहाँ से सुनेंगे। तो एक काम कीजिएगा, अपने घर पर बच्चे जो इंटरनेट पर बैठते हो उन बच्चों से पूछना, बेटा ढूंढ कर देख लो, सर्च कर लो, गूगल में जाकर सर्च कर लेना याहू पे रागाज एंड टाइम, किस समय कौन सी राग सुनना चाहिए, तो राग का नाम पता। फिर आप कहेंगे बाबा जी राग का नाम पता पड़ जाएगा, लेकिन कौन सा राग पर कौन सा गीत है कैसे पता पड़ेगा, तो फिर इंटरनेट पर सर्च करने का अपने बच्चों से कह दीजिएगा, वे सर्च कर लेंगे रागाज एंड सॉन्ग, तो सॉन्ग का नाम भी पता। आप कहेंगे बाबा जी सुबह सुबह फिर कौन सा फिल्मी गीत गाएं है, तो एक और गीत देता हूँ, आपने सुना होगा, भले ही गीत के शब्दों पर जाइएगा लेकिन उसके बाद भी गीत अगर सही राग में है तो जरूर। 16 बरस की पाली उम्र को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को। बहुत अच्छा, अगली बार तो कभी रागों का कार्यक्रम करेंगे आपके बीच में, लेकिन कभी कल्पना करना सुबह का समय ना हो और दोपहर का समय हो जाए, आसमान में सूरज चमकने लगे, तो जब आसमान में सूरज चमकने लगे तो उस समय राग दूसरी, उस समय राग सारंग। भजनी सखी बाजे सग भजनी, सखी बाजे सग भजनी। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्लासिकल म्यूजिक हमको इतना बोरियत लगता है कि क्लासिकल सुनने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन क्लासिकल के पीछे हमारे ऋषि मुनि की शोध है। मैं बहुत सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ, एक राग का नाम है देश, क्या नाम है, कभी दोपहर में इसके भजन सुनेंगे, जैसे आपने सुना होगा ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, दो सुर बने हमारा। ठीक है, ये राग का नाम क्या बताया, देश। लेकिन कभी शाम का समय हो तो शाम को सुनना चाहिए राग यमन, क्या नाम है। और ये मैं जो बता रहा हूँ यही परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना, इससे भी आगे आपको कई रागों के नाम मिलेंगे, हर घंटे के हिसाब से अलग रागे हैं, बरसात की राग अलग और गर्मी की राग। और याद रखना, गर्मी की राग अगर बरसात में गई तो नुकसान करेगी, और बरसात की राग ठंड में सुनी तो भी नुकसान, क्योंकि इन रागों का संबंध भी हमारे शरीर से है। लेकिन कभी रात हो जाए और रात को 2 बज जाए तो फिर कौन सी राग गाओगे, तो एक राग का नाम याद रखो मालकोस, क्या नाम है, ये मालकोस गीत मेरे बुजुर्गों ने सुनोगे, भाइयों ने, इन बच्चों ने नहीं सुने, क्योंकि इनको तो हमने गीत सुनाए कहाँ है, एक गीत है मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, पग घुंघरु बांध नाची। ये मैंने आपको ये तमाम रागों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम सही समय पर सही खाएं और सही समय पर सही गाएं और सही समय पर सही सुनने के हाथ डालें। अलग अलग रागों की चर्चा फिर कभी आपसे करूंगा, लेकिन एक राग ऐसी है कि उस राग में सुबह गीत गाओ तो भी ठीक, और रात को गाओ तो भी, दिन में दोपहर में गाओ तो भी बढ़िया, और सुबह 4 बजे उठ के गाओ तो भी, उस राग का नाम है राग भैरवी, क्या नाम है। और राग भैरवी ऐसी राग है, उसको बोलते हैं सदाबहार राग भैरवी, क्या बोलते हैं, एवरग्रीन, कभी भी गा सकते हो। उस राग का गीत आपको बताऊं, आपको आता है, गाकर देखिएगा, जोत से जोत जलाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम जी गंगा बहाते चलो, प्रेम जी गंगा बहाते चलो। और बताऊं, इस राग पर ऐसे ऐसे गीत हैं, सारे सुपरहिट, खुशी का गीत भी इस राग मर राग में, और गम का गीत भी, दिल का खिलौना हारे टूट गया, दिल का खिलौना हारे टूट गया, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, भयो दादा भूलब भयो रे, भयो दादा भूलब भयो। जैसे आपने अभी एक गीत सुना होगा, एक फिल्म आई थी पीपली लाइव, आई थी ना, उसमें गाना था ना, गाना कौन सा था, सखी सैया तो खूब ही गाते हैं, लेकिन जैसे महंगाई डायन गीत अभी आया, आज से पहले एक फिल्म बनी थी 30-35 साल पहले, उसका नाम था रोटी कपड़ा, और उस फिल्म में एक गीत आया था इसी राग पे था, कौन सी राग पे, राग भैरवी।
सदाबहार राग भैरव गीत था और वो गीत आज भी प्रासंगिक, क्योंकि तब भी नेता बेईमान थे और आज भी, तो तब गीत आया था। अब आपने सुना होगा, राशन वाली लेन की लंबाई मार गई, राशन वाली लेन की लंबाई मार गई, अरे दर्जी के कपड़ों की सिलाई मार गई, दर्जी के कपड़ों की सिलाई मार गई, अरे बेटी की शादी और सगाई मार गई, बाकी मुझे बता तो मैं गई मार गई, गई मार गई, बाकी मुझे बता तो मैं गई मार गई, बचा तो मैं गाई मार गई। आइए दोस्तों, मैं भारत माता की आरती को ले चलूं, लेकिन मैं आज मैं नहीं चाहता, मैं आपको दर्द देना नहीं चाहता। लोग कहते हैं देश में बेईमानी ज्यादा है, और मैं कहता हूं बेईमान फिर भी ज्यादा। 10,000 ट्रेन रोज देश में चलती है, मुकाम से चलकर मुकाम तक पहुंचती है, कभी भी खबर नहीं छपती 10,000 ट्रेन मुकाम पर पहुंच गई, लेकिन एक दिन देश में ट्रेन उलटती है, पूरे अखबारों में खबर छपती है। देश में हमारे अखबार, हमारे टीवी, हमारे रेडियो हमको बेईमानी की खबरें सुना सुनाकर डरा रहे हैं, जबकि देश में इतने बेईमान नहीं है। और मैं तो कहता हूँ बेईमान क्यों है, बेईमान इसलिए कि हम बेईमानी का मौका दे रहे हैं। देश में गुंडे कितने हैं, कितने गुंडे देश में, एक दाऊद, एक ओसामा, पूरे अमरावती में कितने गुंडे होंगे, लेकिन अमरावती में अच्छे लोग कितने हैं, लेकिन बाकी लोग डरते हैं। इसलिए कई बार बोलता हूं, जनता की फूट आतंकों की जन्मदाता है, जनता की फूट आतंकों की जन्मदाता है, और एक आदमी लाखों करोड़ों को डराता है, और एक एक करके मारे जाते हैं लोग, क्योंकि एक को बचाने ना कोई दूजा आगे आता है, एक एक करके मारे जाते हैं लोग, क्योंकि एक को बचाने ना कोई दूजा आगे आता है। और अपनी जो जिंदगी बचाना चाहे तू, तो थोड़ा थोड़ा औरों के लिए भी जीना सीख, और जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, क्योंकि औरों के लिए ना बोलेगा वो मारा जाएगा, कल घाट मौत के वो भी उतरा जाएगा, और हम घर गेरों के सहारे नहीं बने तो बनने को कौन हमारा सहारा आएगा। आज तूने पड़ोसी की आह ना सुनी तो कल कौन सुनेगा बता दे तेरी चीख, और जीना है तो पापियों का खून पीना सीख। क्योंकि दोस्तों कृष्ण कहां से पैदा होंगे देश में, राम क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, मेरे मित्र की पंक्तियां हैं, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, और घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। तो अफसोस की बात नहीं है, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, ये कहां के रावण, रावण क्या दस सिर के रावण होते हैं, नहीं, इस देश की जनता का पैसा लूट लूट कर स्विस बैंक में रखने वाले रावण नहीं है तो और क्या है, इन माता बहनों से बलात्कार करने वाले रावण नहीं है तो और क्या है, किसी सोन वाले को जिंदा जला देने वाले ये तेल माफिया के लोग, ये रावण नहीं है तो क्या है, और इन तेल माफिया के सिर पर बैठे हुए नेता, ये रावण नहीं है तो और क्या है, लेकिन ये रावण, ये बलात्कार करने वाला रावण, ये भ्रष्टाचार करने वाले रावण, ये क्या आसमान से आते हैं, क्या पेड़ में उगते हैं, क्या धरती फाड़ कर निकलते हैं, नहीं, ये रावण में किसी ना किसी मां की गोद से जन्म लेकर आ रहे हैं। तो इन रावणों से लड़ने वाला राम, ये भी आसमान से आने वाला, ये राम भी कहीं ना कहीं हमारे घर से निकलेगा, ये राम भी स्कूल कॉलेज से निकलेगा, लेकिन हम राम क्यों नहीं पैदा होते, क्योंकि मंदिर के राम को खिलाने के लिए असली दूध, मंदिर के राम को खिलाने के लिए असली दूध, मंदिर के राम को खिलाने के लिए मिठाई, और हमारी गोदी के हमारे जिंदे नन्हे मुन्ने राम के लिए पेप्सी, उनके लिए कैडबरीज, उनके लिए 5-स्टार चॉकलेट, मंदिर के भगवान को सुनाने के लिए राम की कहानी, और हमारे घर के बच्चों को सुनाने के लिए शीला की जवानी। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, हंसने की बात नहीं है, चिंता कीजिएगा, मंदिर के राम को भजन मिले ना मिले, लेकिन हमारे घर के राम के बच्चों को भजन मिले, मंदिर में संस्कार अपने आप हो जाएंगे, पहले हम अपने घरों से संस्कार देना प्रारंभ करें। और आज एक संकल्प और लीजिएगा, जैसे एकल विद्यालय है, आप कहेंगे बाबा जी क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात कहने आया हूं, आज के बाद मंदिर में तो राम को देखना, लेकिन मंदिर में जो पुजारी पूजा करता है उसके अंदर भी राम को देखना, और जो मंदिर में दर्शन करने आया उनके अंदर भी राम को देखना, क्योंकि यहां संत तुकड़ोजी महाराज महाराष्ट्र में हुए, उन्होंने यह नहीं कहा था मंदिर में तू और मस्जिद में तू,